नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे पासपोर्ट के बारे में। ये इंपोर्टेंट आपको जानना जरूरी है कि भाई पासपोर्ट की जितनी पासपोर्ट की वैल्यू होती है उसी के हिसाब से उस देश की वैल्यू आंकी जाती है। इंटरनेशनल मार्केट की मैं बात करूं तो ऐसे हम 10 देशों के बारे में बात करेंगे जो दुनिया के सबसे कमजोर माने जाते हैं, कमजोर देश माने जाते हैं पासपोर्ट के मामले में। और पासपोर्ट के मामले में क्या भाई, वैसे भी कमजोर स्थिति इन देशों की है, तो आपको जानना है कि वो कौन से देश हैं। उन देशों में कुछ देश ऐसे हैं जिसमें आप जाना नहीं पसंद करोगे और आपको बचना भी चाहिए, उन जैसे खतरनाक देश हैं, अगर जाते हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। इनका रीजन क्या भाई, आतंकवाद सबसे बड़ी रीजन, या फिर भूखमरी, लूटमारी, अशिक्षा, ठीक है, या फिर अंदर की क्रय कलेश, रूढ़िवादी सरकारें, ये सब चीजों की वजह से ये देश पहले कभी अच्छे कुछ हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी स्थिति और ज्यादा खराब हो चुकी है। तो पासपोर्ट की अगर वैल्यू की बात करें, ग्लोबल मोबिलिटी स्कोर के आंकड़े पे इसको मापा जाता है। जी हाँ, मोबिलिटी स्कोर जितना हाई होगा उतनी देश का पासपोर्ट वैल्यू ज्यादा करेगा और उसको ज्यादा लोग पसंद करेंगे उस कंट्रीज को। तो चलिए आइए हम जानते हैं कि कौन से पासपोर्ट की मोबिलिटी स्कोर कितना है और क्या है अभी स्थिति चल रही है उन देशों की, 10 देशों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इराक। जी हाँ साथियों, सद्दाम हुसैन आप सबको याद ही होगा, काफी सारे लोग आज भी फेसबुक पे उसको हीरो की तरह प्रमोट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। सद्दाम हुसैन मरने से पहले कितने लोगों को उन्होंने जान काट काट के कब्रों में डाला था, आप सबको पता ही होगा। सद्दाम हुसैन की तानाशाही सबसे बड़ा रीजन था इराक को एकदम खत्म करने का, वरना इराक कोई टाइम में बहुत अच्छा हुआ करता था। उसके बाद अमेरिका के हमलों ने इस देश को एकदम बर्बाद कर दिया बढ़िया तरीके से। इराक का पासपोर्ट दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट है। इसका अगर मोबिलिटी स्कोर की बात करें तो मात्र 20 है, यानी 20% इसकी स्कोर है, यानी 80% डाउन है इसका पासपोर्ट, आप समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं अफगानिस्तान। 90 के दशक से ही अफगानिस्तान की स्थिति खराब रही है। कभी वहां पे तालिबान, आपको पता है, सबसे बड़ा आतंकवादी समूह है, पाकिस्तान के साथ इनकी लड़ाई होती रहती है, कभी रूस के हमले वहां पे हो, पहले रूस के हमले रूस की वजह से बर्बाद हो गए, उसके बाद अमेरिका उसको बर्बाद कर दिया, और खुद की आंतरिक कलह आतंकवादी वजह से उनकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब है, शायद ही कोई आदमी अफगानिस्तान जाना पसंद करेगा। जी हाँ, अफगानिस्तान का पासपोर्ट भी दुनिया में सबसे कमजोर पासपोर्ट। अफगानी पासपोर्ट भी बता दूं, इराक के पास ही है, एकदम जस्ट ऊपर ही है, इसके ऊपर नहीं है। इसका स्कोर भी सेम वही है, 20% इसका स्कोर है। जी हाँ, सीरिया का नाम तो आपने सुना होगा भाई, गृह युद्ध के मामले में सीरिया, आपको पता है वहां की अस्थिर सरकार, आतंकवाद, सब कुछ वहां पे चल ही रहा है, जितने भी मकान थे तोड़फोड़ दिए, जनता वहां से भाग चुकी है, भूखी मर रही है, सीरिया की स्थिति बड़ी खराब है, उससे झूल रहा है, उसकी मोबिलिटी स्कोर मात्र 30% है। जी हाँ, तीसरे नंबर पे है सीरिया। चौथे नंबर पे बात कर लेते हैं सोमालिया। आपको पता है भाई, सोमालिया एक कंट्री के लोग बड़े बेकार हैं, घटिया लोग हैं, समुद्री डाकू, आपने देखा होगा समुद्रों पे नावों को या बड़े बड़े जो जहाज है उनको हाईजेक करना, कत्लेआम करना, ये उन लोगों की लूटमार का एक हिस्सा है। इस देश का सोमालिया का मात्र पासपोर्ट है वो 31% है, मोबिलिटी स्कोर मात्र 31, यानी 31% पे इसका पासपोर्ट है, यहाँ पर भी कोई इंसान जाना पसंद नहीं करेगा। यमन, जी हाँ साथियों, यमन का भी आपको पता ही है भाई, यमन में गृह युद्ध ज्यादा है, वहां के आपस में लड़ते रहते हैं, दो समुदाय हैं, शिया सुन्नी का वहां पे चलता रहता है, आपको सबको पता ही है। इस वजह से गृह युद्ध होने की वजह से वहां की स्थिति खराब है, यानी कि कोई टाइम ये खुशहाल देश हुआ करता था, अच्छी कंट्री थी, लेकिन अभी इनकी स्थिति खराब है। इनकी मोबिलिटी स्कोर 32% है, यानी 32% पे इनका पासपोर्ट अटकता है। ईरान, जी हाँ साथियों, ईरान का आपको पता है, ईरान कभी धमकियां ईरान देने में नंबर वन, अमेरिका को चैलेंज करता है, जबकि उसकी खुद की स्थिति इतनी खराब है कि वो आराम से रोटी भी नहीं खा सकते, उनकी वहां की जनता के दशक से रूढ़िवादी सरकार के हाथों से पहले विकसित था, लेकिन अभी उसकी स्थिति खराब हो चुकी। इसी तरह इसका पासपोर्ट की अगर स्कोर की बात करें तो कमजोर पासपोर्ट माना जाता है, इसकी मोबिलिटी स्कोर मात्र 33% है। जी हाँ साथियों, फिलिस्तीन आपको पता ये कंट्री है, इसका भी आपको सबको पता ही होगा, इसका पासपोर्ट भी कमजोर पासपोर्ट माना जाता है, मात्र 33% इनका पासपोर्ट स्कोर है। अब आ जाते हैं भाई पाकिस्तान। जी हाँ साथियों, अपना पड़ोसी मुल्क, जिनकी दो सबसे बड़ी खासियत है, अपनी भाषा में देखेंगे तो आतंकवाद का गढ़ और दूसरा उधार लेने के मामले में सबसे एशियन कंट्री में सबसे आगे है, जिसको भीख मांगना भी बोल सकते हैं, यूएई का, यानी कभी यूएई से मांगता है, कभी दुबई से मांगता है, अमेरिका का कर्जा, चाइना का कर्जा, हर तरह से कर्जे इन्होंने ले रखे हैं, तो दो मामलों में सबसे ऊपर है ये कंट्री। इसका पासपोर्ट बहुत कमजोर पासपोर्ट माना जाता है। जी हाँ, निचले स्तर पे इसका पायदान है, मात्र 34 मोबिलिटी स्कोर, मात्र 34% है इस पाकिस्तान के पासपोर्ट की, बहुत कमजोर पासपोर्ट है।
म्यांमार, जी हाँ साथियों, म्यांमार रोहिंग्या आपको पता है वहां का एक मैटर चला था। हालांकि म्यांमार देश अच्छा है, बुरा उसको नहीं बोल सकते, लेकिन गरीब देश होने की वजह से इसका पासपोर्ट भी फिर आपको पता है भाई कमजोर तो होता ही है। हालांकि पाकिस्तान से ऊपर है, 37% इसका मोबिलिटी स्कोर आता है। उम्मीद है कि म्यांमार आगे आने वाले समय में अच्छा हो जाएगा। रिट्रिया, जी हाँ, अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। हालांकि देश सुंदर है, देखने लायक है, लेकिन पासपोर्ट का स्कोर बहुत इसका डाउन है, कमजोर पासपोर्ट में गिना जाता है। स्कोर फिर भी 37% है, यानी 37% है, यानी म्यांमार इनका बराबर है। पाकिस्तान से तो फिर भी भाई काफी सारे कंट्रीज ऊपर हैं। बस यही साथियों, आपको 10 कंट्रीज के बारे में बताना था भाई, 10 कंट्रीज का मैंने आपको डिटेल से बताया। इन पासपोर्टों की ये स्थिति है, पासपोर्ट की वैल्यू मोबिलिटी स्कोर के आधार पर तय होती है, तो आपको मैंने बता दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।